रामकृष्ण परमहंस जी ने घड़ा था, समर्थ रामदास गुरु जी को शिवाजी को घड़ा था, ऐसे अनेक हमारे प्रेरणा रहे हैं जो इस परंपरा के हैं। उसी परंपरा के यहाँ राजस्थान में वर्तमान पूज्य गुरुजन हैं, उनको फिर बधाई देता हूँ। आप सब लोगों ने मिलकर के राजस्थान के शिक्षा क्षेत्र को ऊंचाई दी है। मैं देख रहा हूं इस बार अभी तक के जितने परीक्षा परिणाम रहे, सबसे अच्छे परीक्षा परिणाम इस शैक्षिक वर्ष में रहे हैं, और लगातार विद्यालयों का स्तर सुधरता जा रहा है। संकल्प किया है कि हमारे विद्यालय परिषद स्वच्छ रहेंगे और सुंदर रहेंगे, इसलिए इस काम में सभी शिक्षक जुट गए हैं। आपको यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि पहली बार शिक्षा विभाग ने तय किया आपके नेतृत्व में कि जो दिन भर हम पढ़ाते हैं उसका रिवीजन हमारे अंतिम कालांश में होगा, कि शिक्षकों ने क्या पढ़ाया है उसका मूल्यांकन भी हो सकेगा, और शिक्षक को यह भी पता चल सकेगा कि हमारे द्वारा जो पढ़ाया गया है शिक्षकों ने कितना ग्रहण किया है और इसमें पूरी ताकत के साथ जुट गए हैं। आपको ये जानकर बहुत खुशी होगी माननीय मुख्यमंत्री जी, क्योंकि इस बार जो वृक्षारोपण का आपने निर्देश दिया था कि 7 करोड़ पौधे लगाकर पेड़ बनाने हैं, उसमें ये कहते मुझे खुशी है कि लगभग 2.5 करोड़ पौधे पेड़ बनाने के लिए अकेले शिक्षा विभाग ने लगाए हैं, और लगभग अभी तक सरकार के सभी विभागों द्वारा जनता के सहयोग से लगभग 7 करोड़ का आंकड़ा हम पार कर चुके हैं, इसलिए मैं आपको बधाई देता हूं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, लगातार ये शिक्षा विभाग एक कोशिश कर रहा है कि हमारे बच्चों में एक संस्कार हो और शिक्षा में संस्कार का समावेश हो, और इसलिए हमने सभी गुरुजनों से निवेदन किया है कि अपने आप को आदर्श के रूप में प्रस्तुत करें, ताकि सभी विद्यार्थी आपसे और ज्यादा प्रेरणा ले सके। मैं आप सब लोगों को पुनः बधाई देता हूं। हमने आपके नेतृत्व में पहली बार ऐसा हुआ है राजस्थान में कि 5 जुलाई को सभी लगभग हमारे जितने विद्यार्थी अध्ययनरत हैं सभी को हमने 3,58,00,000 पुस्तकें 5 जुलाई को ही पहुंचा दी है। पिछले का इतिहास हम देखते हैं तो कभी सितंबर में जाती थी, अक्टूबर नवंबर दिसंबर तक भी पुस्तकें बच्चों के हाथों में मिली है, उसके कारण बच्चों की पढ़ाई बाधित होती थी। मुझे कहने की बहुत खुशी है कि आज आपके हाथों द्वारा लगभग 56,000 टेबलेट सभी विद्यार्थियों को हम उनके हाथों में पहुंचा देंगे, ताकि समय से उनका उपयोग कर सके। यही नहीं, जैसा अभी हमने वीडियो देखा है कि सब बच्चों का हम स्वास्थ्य परीक्षण कर रहे हैं। स्वास्थ्य के परीक्षण केवल परीक्षण नहीं रह जाएगा, जो व्याधियां बच्चों में होगी उनका इलाज, उनका निराकरण, समाधान करने की कोशिश भी करेंगे। जो गंभीर बीमारियां होगी उनको मेडिकल कॉलेज तक पहुंचाकर सरकार के द्वारा उनका इलाज भी कराएंगे, ताकि सारे बच्चे हमारे स्वस्थ रह सके। आपके नेतृत्व में हम कोशिश कर रहे हैं पंचायत राज के विभाग के माध्यम से कि हम राजस्थान के जितने घुमंतु बच्चे हैं, ग्रामीण क्षेत्र में घुमंतु लोग हैं जो ग्रामीण क्षेत्र में रह रहे हैं, उन सभी को आपके हाथों से 2 अक्टूबर को सभी को निशुल्क आवासीय भूखंड दिला देंगे, ताकि जो हमारे प्रदेश के घुमंतु बंधु हैं जो आज बेघर हैं उनको भी घर मिल पाएगा। मेरा मानना है माननीय मुख्यमंत्री महोदय कि घुमंतु परिवार, घुमंतु लोग हमारे समाज के बहुत महत्वपूर्ण अंग हैं, बहुत ताकतवर में मजबूत लोग हैं ये, और इन्होंने अब तक कई महापुरुषों का साथ दिया है, चाहे शिवाजी महाराज हो,
चाहे महाराणा प्रताप हो, सबका साथ दिया है और सबके सबने सफलता प्राप्त की इनके सहयोग से। और क्योंकि ये देश को स्वतंत्रता में इनका बड़ा योगदान रहा है, क्योंकि जब अंग्रेज और मुगल हमारे पर अत्याचार करते थे, आतंक हमारे जो क्रांतिकारी थे उनको तंग करते थे, तो उनको कमजोर करने के लिए खजाने लूटा करते थे, उनको परेशान किया करते थे ताकि वो लोग कमजोर हों और क्रांतिकारियों को ताकत मिले। ऐसे सब हमारे प्रदेश के सब सम्मानी लोग जिसको आवश्यक है कि मुख्यधारा में आए, इसलिए सबको हम आपके हाथों से 2 अक्टूबर को आवासीय भूखंड दिलाएंगे, इतना मेरा निवेदन है। मैं आप ये भी बताना चाहता हूं कि हमारे जितने भी मॉडल स्कूल हैं वो 6ठी से 12वीं तक चल रहे थे, लेकिन 4 सालों से भी अधिक समय से प्राइमरी का भी भवन बनकर के तैयार था, लेकिन उसमें बच्चों को पढ़ने नहीं दिया जा रहा था, उनका उद्घाटन नहीं किया जा रहा था, उनको संभाला नहीं जा रहा था। इस बार आपके नेतृत्व में हमने स्कूल प्रारंभ कर दिए हैं ताकि छोटे बच्चे भी अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सकें। आपके आशीर्वाद से शिक्षा विभाग लगातार प्रगति कर रहा है, पंचायत राज प्रगति कर रहा है, और आपको मैं इसके लिए बधाई देता हुआ अपनी बात को समाप्त करता हूं और पूज्य गुरुजनों को प्रणाम करता हूं।